यूपी के रामपुर में कालाबाजारी को जा रहे राशन की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट में मौके पर पहुंचकर राशन के 19 कट्टे पकड़े। राशन की दुकान को ताला मारकर की कार्रवाई। राशन डीलर से मांग गया राशन का स्टॉक रजिस्टर। चमरवा क्षेत्र के पहाड़ी गांव में है राशन की दुकान। ग्रामीण ने डीएम महेंद्र बहादुर को व्हाट्सएप के जरिए राशन की कालाबाजारी की शिकायत की थी। डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। कई दिनों से राशन डीलर की राशन नहीं बांटने की ग्रामीण कर रहे थे शिकायत और सप्लाई इंस्पेक्टर पर साठगांठ करने का भी लगाया था गंभीर आरोप। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के पहाड़ी गांव में राशन डीलर मदन पाल पिछले 18 वर्षों से गांव में अपनी दबंगई के चलते राशन की दुकान चला रहा है। आरोप है कि राशन डीलर मदन पाल राशन की कालाबाजारी कर गरीबों के हक पर डाका मार रहा है। राशन वितरण के दौरान राशन उन्हीं को दिया जाता है जो उसकी हमदर्दी करता है। यही नहीं, कभी कभी तो राशन बांटता ही नहीं है, जिसकी शिकायत कई बार डीएम और एसडीएम से की गई, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच के लिए अगर सप्लाई इंस्पेक्टर गांव में आते हैं तो साठ गांठ पर शिकायत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहरहाल इस बार मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने 19 कट्टे राशन के पकड़ लिए। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई होती है या राशन डीलर पर ऐसे ही मामला दबा दिया जाएगा। बताइए, राशन बिकने को जा रहा था, मदन पाल का डिपो है, ग्राम पहाड़ी के निवासी हैं। मैंने डीएम साहब को फोन पर सूचना दी, उन्होंने 30 से 40 मिनट के अंदर कार्रवाई की। उसके बाद मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर दुकान खुलवाई, उसमें उन्होंने दुहरी पाई थी मौके पर। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब चले गए। अगले दिन यानी कि आज सप्लाई इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, साठगांठ कर ली और वो झूठी रिपोर्ट बनाकर डीएम साहब को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं डीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इसकी बारीकी से जांच कराई जाए। डीएम साहब को वो गुमराह करना चाह रहे हैं। अच्छा। मेरी आपके माध्यम से डीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ मैं, इसको बारीकी से जांच देखें डीएम साहब, बारीकी से जांच कराएं और डीपो सस्पेंड करें। हमारी सील नहीं की गई है, कल हम वहाँ मौके पर गए थे, डीएम साहब की शिकायत आई थी, मौके पर गए थे और वहाँ देखा गया तो लोग वहाँ इकट्ठे थे। फिर दुकान पर गए, दुकान में अभी करीब 29 बोरी, कितना था, 19 बोरी, वहाँ 8 बोरी चावल और 10-11 बोरी गेहूँ वहाँ पाया गया। फिर राशन डीलर से कहा गया कि अपना दिखाइए उसका राशन दिखाओ और उसने नहीं दिखाया। फिर बड़ी गड़बड़ी, चूँकि हम गए थे, वो दिखाया नहीं, उसको समय दिया गया दिखाया, शाम को दिखा देना तो आधा घंटा बाद, वो अब तो नहीं दिखाया। अब वहाँ टीम बना के बैठ गए, कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। सुखानी तहसील से लोग जा रहे हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई। दुकान सीज करिए, दुकान तो हमने, निलंबन की कार्रवाई होगी या सस्पेंड? अब देखिए, उसका जो स्टॉक वितरण रजिस्टर होगा उससे मिलान होगा, कितना उसको सामग्री मिली, कितना उसको वितरण कर दिया, नहीं बताया जा रहा है। सही पाया जाएगा तो कोई कार्रवाई नहीं। जिस डेट में उसको बांटना था तो बांटने के बाद भी उसके पास स्टॉक पूरा मिला था। अब उसका कहना हम लगातार दे रहे हैं, 9 तारीख से बांट रहे हैं, अभी जो हमारा बचा हुआ है ये 9 हफ्ता रहता है, अगर बांट रहा ठीक है, नहीं अगर क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया है, तब पकड़ा जाएगा। इस बात पर पकड़ा ठीक।